तलब जो इतना 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 गुस्ता था पहले, डिस्टर्ब कभी था, इतना गुस्ता था पहले हम ऑफ कर रहा हूँ। हमारी बाजी का घर वही है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं अभी, ये लोग भी उधर ही बैठ रहे हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबको प्लेटफॉर्म के यूट्यूब में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो मजेदार से वाला एकदम से होने वाला है। सो हम आज हम लोग है खुले हवा पर और नदी का किनारे में थोड़ा सा बैठ रहे हो, और हम लोग आ रहा था भाभी का घर में। तो पहले क्या था अभी क्या हो गया देख। सो आज हम लोग अभी आ रहे हैं भी भाभी का घर में। मेरा घर में आया है वो लोग, उसका बाद कुछ गया भी नहीं है। ऐसे घूमने के लिए लेके आए, ऐसे घूमने के लिए या मैं नदी में हम लोग का मठौरी है ना, मठौरी है ना, वहाँ में घूमने के लिए आया हम लोग। बहुत अच्छे, आप लोग भी अच्छा लगा तो देखते रहिए और भाई का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर। एंड गाइस, तो वहाँ पे जो आप लोग मठौरी देख रहे हैं ना, वह जो नदी देख रहे हैं सिर्फ यही था नदी, उस तरफ नहीं था। उस तरफ भी पूरा नदी हो गया, देखो गाइस पूरा नदी सब बह के ले गया है। वहाँ पे क्या था, पुल था, पुल देखो अभी क्या हो गया है। वहाँ पे सब जंगल जंगल था, अभी पूरा साफ हो गया है नदी आके, देखो ना गाइस क्या खतरनाक है यार। अच्छा ही हुआ है, हाँ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है गाइस, अच्छा अच्छा ही हुआ है। नहीं तो या मैं नदी पार होने के लिए ये क्या बोलता है जंगल, बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ भी था, इतना गुस्सा था पहले ऑफ कर रहा हूं। तलब जो इतना 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 गुस्सा था पहले, डिस्टर्ब था, अभी तो पूरा सब हो गया। नदी नदी जो ये सब करके चला गया, अच्छा ही लग रहा है मेरे को तो। लेकिन आदमी लोग रहने के लिए डिस्टर्ब लग रहा है, पहले वो नदी बड़ा होने का टाइम में आदमी लोग रहने नहीं सका, घर को छोड़ के दूसरा जगह में रहना पड़ रहा है। और मेरा हिंदी ज्यादा नहीं वही होगा शायद, मैं ज्यादा ही। सो ये पहले ये था नदी, अभी ये हो गया देखो, पूरा डान केटा अभी पूरा खत्म हो गया सब जगह। यहाँ पर बैठने के लिए बहुत मजा है और खुले आम हवा। सो बहुत इंटरेस्ट लगा भाभी का घर में आके थोड़ा सा। हम लोग अभी फिलहाल ये नदी का ऊपर, सो इसी जगह देखना पहले क्या था अभी क्या हो गया। और नदी ये साइड से जाता था जो पानी का सीजन हो रहा था, तो पूरा तोड़ फोड़ कर दिया पूरा धान का खेत था ये। अभी पूरा शायद प्रॉब्लम भी हुआ है, लेकिन कोई कोई लोग बोल रहे कि अच्छा भी लगा है बोल के, बहुत गहरा था रास्ता, आना जाना करने के लिए बहुत तकलीफ था बोल के। तो लेकिन शायद जो धान किटी लगा के उड़ा गया वो तो बहुत तकलीफ भी लगा होगा। नदी ये था और ये साइड से, ये साइड से भी जा रहा है नदी। ये नदी का नाम है होलंगी नदी, पागला नदी है, डेंजर है। ऊपर तरफ देखने से आपको वो देखने को मिलेगा पहाड़ का नज़ारा, और ये शायद आपको देखने मिले कारण पोस्ट भी है उधर, आदमी फोटो शूट कर रहे हैं। और वो शायद पर घर भी है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अभी हवा मार रहा है, बहुत खुली आम हवा, बहुत अच्छा भी लग रहा है बैठने के लिए, मजा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चले चलते वीडियो को टीएन करते हो। आज मैं छोटा सा वीडियो लाया कि आप लोग सोचना मत कि मैंने ये लोकेशन को दिखाने के लिए आप लोग बीच में मैंने थोड़ा सा वीडियो लाया हो। मैं मेरा दोस्त सिमन चापुरी का है, उसका साड़ी मैंने उसका रिश्तेदार के पास आया आज घूमने के लिए, तो वो बोला था कि थोड़ा सा घूम के आएगा, तो मैंने उसका साथ आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका साथ थोड़ा दिन बिता के कल फुर्सों के बाद तो शायद उसको मैं नहीं मिलने वाले, तो क्या बोले। इतना बड़ा घर कहाँ से बस्ती में भी ऐसा देखने को मिलता है, मैं उठ कर देखता हूँ इधर थोड़ा सा। और यहाँ पर पूरा बेट ले रहा हूँ कैसा है घर, मैंने आज तक देखा नहीं इतना बार बस्ती में भी देखने को मिलता है यार। इतने बारह बारह इंच में क्या क्या है पता नहीं, क्या क्या है रे, ये क्या है इतना लंबा चीज, और ये देख रहे इतना बारह बारह तार लंबा लंबा है, और ये क्या है बॉक्स, और ये क्या पता नहीं मुझे।
सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी तो फिलहाल नया यूट्यूबर हूँ, उसका वजह से मैं अच्छा अच्छा वीडियो लाने के लिए नहीं सक रहा हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करूँगा और फ्यूचर में भी बहुत डिफरेंट से और अलग ही तरह से वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। तो आप लोग मेरा वीडियो देखते रहना और लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर मेरा वीडियो पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही मैं आप लोग के सामने में बहुत ज़्यादा वीडियो लाऊँगा डिफरेंस डिफरेंस और अलग ही तरह से। बोलिए कि आज तक मैंने इतना खास भी वीडियो बना नहीं सका क्योंकि मैं नया हूँ, उसके लिए आप